भाई लोगों, आश्रम तो आप सभी ने देख रखी है, मगर आश्रम सीरीज में जो अभी तक नहीं दिखाया वो इस मूवी में दिखाया। भाई मूवी का नाम सिर्फ एक बंदा ही काफी है, और यकीन मानो गुरु, इसके नाम से इसकी कहानी बिल्कुल मैच करती है। कभी सच बोलने में डर लगा है आपको? नहीं लगा तो अब लगेगा गुरु। भाई लोगों, सच बोलने पर लोग आपकी तारीफ करती है तो आपने सुना होगा, मगर सच बोलने पर आपके ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है, सबके सामने आपको गोली मार दी जाती है। सच बोलने की सजाए, और यकीन मानो गुरु, आपको अपने घर में भी डर डर के रहना पड़ेगा। यही उस सच का असली सच है गुरु, रियलिटी है ये। जो लड़ाई आपकी है उसमें गुरु लड़ना भी आपको ही पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया वाले आपकी मारने पे लगे रहते हैं, और यही इस मूवी में दिखाया है। यस गुरु, ये मूवी देखने के बाद डरने तो लगोगे तुम। मूवी है बहुत जबरदस्त। भाई लोगों, ये मूवी रियल घटना पे आधारित है नहीं है ये तो तुमको खुद ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे अभी और भी आगे रिव्यू देने हैं। जोक सपाट यार, मनोज वाजपेयी गुरु ये वो डायमंड है यार जो हर बार निखर के हमारे सामने आते हैं, और मैं सच बता रहा हूँ यार, इन जैसे एक्टर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। मनोज सर की एक्टिंग को मैं 10 out of 100 दे सकता हूँ। भाई इन्होंने काम ही कुछ ऐसा करा इस मूवी में, और भाई सच में बहुत जबरदस्त रोल निभाया उन्होंने यार। मैं तो फैन हो गया भाई इनका, मैं तो यार पहले से फैन था। इंप्रोवाइज गुरु, मैं 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया था कि ये रियल में एडवोकेट तो नहीं है। इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है मनोज वाजपेयी सर ने, क्या डिबेट थी इनकी, मजा आ गया भाई। गुरु इस मूवी में जो लास्ट में केस क्लोजिंग स्पीच दी है मनोज वाजपेयी सर ने, भाई वो बहुत ही औसम थी यार। ये मेरे तो गूज़बम्प हो गए थे यार। गुरु ये मूवी आपको अपनी जगह से उठने नहीं देगी, भले आप अपने घर में देखो इसे बैठ के। भाई देखो, दम तो है स्टोरी में, दम नहीं कह सकते यार, दमदार स्टोरी है ये रियल है। तो गुरु मूवी की कहानी क्या है मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ। बाबा अरेस्ट हो चुके हैं पोक्सो एक्ट में। अब ये पोक्सो एक्ट क्या है नहीं पता तो यार गूगल कर लेना, सब कुछ तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा। चलो यार नाराज मत हो, मैं बताता हूँ तुम्हें। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट, जो बना था 2012 में निर्भया केस के बाद। अब यार बाकी जानना हो तो गूगल कर लेना यार थोड़ा, तो तुम भी कर लो कुछ। बाबा अरेस्ट है पोक्सो एक्ट में, मगर मनोज वाजपेयी जो इसमें एक एडवोकेट का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि बाबा को बेल ना मिले। बाबा के वकील लगे हुए हैं कैसे भी करके बाबा को एक बार बेल मिल जाए। बाकी बेल मिलती है नहीं ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा, तो जरूर देखो यार, क्योंकि ऐसी मूवी बार बार नहीं बनती। बाकी और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और फिर मिलेंगे फिर थोड़ी देर में।